युद्ध, याद, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा या नीला ग्रह, और आखिर इन सब के जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे इस सुंदर से ग्रह को बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए इतना मूल्यवान है, वो कितने सालों के कठिन मेहनतों का फल है, क्या आप जानते हैं? आइए हम चलेंगे आज समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे धरती के चट्टान से एक जीवन समृद्ध नेह का सफर को। आइए हम समय में पीछे चलते हैं। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम और एक नया जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं, यहाँ हमारे पृथ्वी का नामो निशान नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब ग्रेविटी के कारण एक दूसरे में जुड़ रहे हैं। कई लाख साल के बाद अब भीमकाय चट्टान उनके बदल चुकी है। अभी हम इसे पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि यह अभी बहुत गर्म है। ये आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह अब खौलती लावा से ढकी है। आप गलती से अपना पैर रखने की कोशिश मत करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं रहेंगे। इस वक्त धरती की सतह का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से भी बदतर है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है। धरती पर लगातार एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही है जो सतह पर लावा की नदी बना रही हैं, और ये एस्ट्रॉइड्स कहीं और के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी हैं जो लगातार इससे टकरा रहे हैं। ऊपर देखिए, ये है नया नवेला प्लेनेट धिया जो हमारी ओर यानी पृथ्वी की ओर बढ़ रही है करीब 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना तेज। हमें इसका स्वागत करना है क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद का निर्माण होगा। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों से घिरी हुई है। यहाँ इतनी चट्टानें हैं कि इस वक्त हमारे धरती के पास भी शनि ग्रह के समान रिंग बन चुका है जो बिल्कुल ही शनि ग्रह के समान है। दो भागों में बटा है, पहला रिंग आज के धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। रिंग से एस्ट्रॉइड्स धरती पर लगातार गिर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड्स की असली बारिश अभी भी नहीं शुरू हुई है। अब ये रिंग ग्रेविटी के कारण एक 3000 किलोमीटर चौड़ा गोलाई पिंड में बदल जाएंगे और यहाँ हम देख रहे हैं अपने चांद के जन्म को। ये हमारा चांद है, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है और ये अब हमारे धरती के काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका सरफेस पूरी तरह से गर्म लावा से बना है और इतना करीब होने की वजह से ये अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव लगातार दे रहा है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। गैस जायंट्स अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की वजह से सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल मास बन रहा है जो उन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट को सोलर सिस्टम के इनर भाग में
ढकेल रहा है। सीधे सीधे मंगल, बुध, शुक्र और हमारी पृथ्वी की ओर। यही वो समय है जब हमारे चांद को उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले थे। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत बहुत गर्म था। यह आसमान में एक लैंटर्न की तरह चमकता था। यह धरती के इतना करीब था कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स आज की तुलना में 25% ज़्यादा असर करता था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे की वजह 6 घंटे का होता था और इसके कारण धरती के लावा की नदियों में लहरें आज के मुकाबले 20 गुना ज्यादा ऊंची उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का जो धीरे धीरे समय के साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा और इससे धरती की घुलना धीमी हो जाएगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगेंगी, जिससे धरती के सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में एक यही भीमकाय चांद ही नहीं है जो आपको आकर्षित करेगा, बल्कि आपको दो बहुत ही चमकदार तारे भी आसमान में नजर आएंगे। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं हैं, वे दोनों असल में ग्रह, जुपिटर और सैटर्न, सोलर सिस्टम के इंटरनल प्लैनेट्स जैसे हमारी धरती, वीनस, मरकरी और मंगल। ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं जो ज़्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन जुपिटर और सैटर्न एक गैस जायंट्स प्लैनेट हैं जो आसानी से लंबी समय तक गर्म रह सकते हैं। इस जन्म काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब था कि जुपिटर इस वक्त हमारे सूरज से भी ज़्यादा चमकदार था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और भी ज़्यादा चमकीले होते जाते हैं, वो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल के इस लंबे अवधि में ये ग्रह भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आइए चलते हैं हम वापस हमारी धरती पर। देखिए, एटमॉस्फेयर में फिलहाल एक ही गैस थी, मिथेन। आप गलती से भी इस गैस में सांस मत लेना, वरना कुछ ही मिनटों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का धरती पर परिवहन किया। इस पानी ने धरती पर समुद्र का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। यहाँ ना तो पैर रखने के लिए जमीन, ना ही तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन थी। हमारी धरती कुछ हद तक पृथ्वी कहलाने लायक बन गई है, लेकिन अभी भी यहाँ जीवन का बीज पनपा नहीं है। और आखिर इसके बाद क्या हुआ, धरती पर जीवन कैसे आया, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।